हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवन एसटीडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार की तरफ से जो है एनएचएम के थ्रू यहां पर एक बार फिर से भर्तियों का आदेश आ चुका है। यहां पर जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है, भर्तियों की नोटिफिकेशन यहां पर दे दी गई है, आदेश यहां पर जारी हो चुका है और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये भर्तियां यहां पर की जा रही हैं। तो और बहुत ही बड़ी संख्या में यहां पर भर्तियां होने लगी, 1429 प्लस पोस्ट पे यहां पर जो है भर्तियों के लिए जो है आदेश राजस्थान सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। एनएचएम ने इसका जो है एक खाका भी तैयार कर लिया है, प्रोफार्मा तैयार है और जल्द ही इसकी जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी फॉर्म फिल करना है इसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगी। और वेबसाइट पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम यहां पर आपको अपडेट कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने न पाए और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो है एनएचएम के थ्रू जो है नोटिफिकेशन जारी गई, कोविड-19 अति आवश्यक यहाँ पे आप देख सकते हैं और 13/1/2022 की नोटिफिकेशन है और आदेश क्रमांक संख्या यहाँ पे दे दिया गया है, आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो क्या है आदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आदेश यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। दिया गया है कोविड-19 महामारी की तृतीय लहर यानी थर्ड वेव को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए राज्य के जिला उपजिला चिकित्सालयों में स्थापित आईसीयू एवं विभिन्न चयनित एचएफएफ यानी हाई फोकस फैसिलिटी में स्थापित एचडीयू के संचालन हेतु संलग्न सूची में वर्णित संख्या के अनुसार नर्सिंग कर्मियों का चयन निम्न शर्तों पर किया जाए। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो कोविड-19 जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं थर्ड पैंडेमिक जो थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव के जो असर दिख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जिले जो राज्य के जिले हैं और उपजिला चिकित्सालय हैं उनमें जो आईसीयू है में जो विभिन्न चयनित एचएफ यानी हाई फोकस फैसिलिटी और एचडीओ के अंतर्गत जो है उनके संचालन हेतु जो है यहाँ पर जो लिस्ट जारी की जा रही है कि कितने नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है उसकी यहाँ पर भर्ती की जाए और कौन किस शर्तों पे की जाए, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है उक्त हेतु बीएससी नर्सिंग जेएनएम डिग्री धारी को लिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग किए होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जेएनएम किए होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पीबीबीएससी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उक्त यहाँ पे बोल दिया गया है कि उक्त हेतु बीएससी नर्सिंग और जेएनएम की डिग्रीधारी को लिया जाए। फिर सेकंड नंबर पे दे सकते हैं उक्त चयनित कार्मिक को मानदेय एनएचएम की वर्तमान संविदा दर यथा राशि रुपये 9085 प्लस ईपीएफ राशि रुपये 1214 ठीक है और राशि 10,299 प्रतिमाह की दर से देय होगा। तो यहाँ पे आपकी सैलरी भी अच्छी बड़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी भी रहने वाली है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं उक्त कार्मिकों का चयन एजेंसी के माध्यम से किया जाए, जाकर निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर लिया जाए और उक्त चयनित कार्मिकों का को दिनांक 31 मार्च 2022 तक के लिए लिया जाना है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो यहाँ पर शर्तें हैं वो दे दी गई हैं। अब यहाँ पर जो 31 मार्च 2022 तक को यहाँ पर आपको किया जाएगा रिक्रूट, उसके बाद जो है आपके जो आपका कार्य कौशल होगा, आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पर और जो है गवर्नमेंट के अनुशंसा पर आपका यहाँ पे पद जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया उक्त प्रशासनिक स्वीकृत के संबंध में वित्तीय स्वीकृत पृथक से जारी की जाएगी। उक्त के संबंध में सभी को निर्देशित किया था कि उक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर सूचना अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा प्रशासन निदेशालय जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं वैकेंसी टेबल की ओर, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो नोटिफिकेशन एक साथ निकाली गई हैं, एक तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज की भी नोटिफिकेशन साथ में दी गई है और वो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी की नोटिफिकेशन ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर में कौन कौन से आपका कौन जनरल मेडिसिन एनेस्थेसिया रेस्पिरेटरी मेडिसिन आईसीयू प्रशिक्षित मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस डिग्रीधारी को प्राथमिकता दिए जाए और एमबीबीएस कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है अप्लाई करना है और यहाँ पे 40,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर आपको दर्द से भुगतान दे होगा और सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी टेबल पे आप देखें तो यहाँ पे नज़र डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर और जो है आपका
स्टाफ नर्स दोनों की वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्रमांक संख्या देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, और फाइनल कितनी रिक्वायरमेंट है किस डिस्ट्रिक्ट में उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है। और फिर यहाँ पे दिया गया है ऊपर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिमांड फॉर HR फॉर SDU 332 HFFF, यानी हाई फोकस फैसिलिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अजमेर में 32 स्टाफ नर्स की ज़रूरत है और 7 मेडिकल ऑफिसर की, अलवर में 8 मेडिकल ऑफिसर की और 48 स्टाफ नर्स की, इसी तरह से टोटल आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत टोटल जो 242 यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स की और 968 जो है यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है इस के अंतर्गत। फिर जो है थर्ड वेव ICU बेड्स देख सकते हैं, ICU बेड्स प्रपोज्ड फॉर COVID-19 थर्ड वेव एट DH एंड SDH, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे दी गई, स्टाफ नर्स की वैकेंसी दी गई। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स मेडिकल ऑफिसर के रहने, 461 जो है यहाँ पर आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली हैं 461, और ऊपर जो 968 टोटल वैकेंसी थी उनको मिला के टोटल 1429 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं स्टाफ नर्स की, 1429 वैकेंसी, और जो 322 वैकेंसी जो है आपकी मेडिकल ऑफिसर की रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। जल्द ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपका फॉर्म होगा उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर अभी आपको अलग से वेबसाइट पर दी जाएगी। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कवर की है, बहुत अच्छी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्लाई करें, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।